फ्रंट पर स्ट्राइक कोर के अधीन कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन की कमान संभाली। आप जम्मू एवं कश्मीर में माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर रहे एवं पश्चिमी सीमाओं पर रैपिड स्ट्राइक डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रहे। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रहे। जनरल ऑफिसर ने सभी अनुदेशक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने 16 दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और अब परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले वो योद्धा जिन्होंने जान की बाजी लगाकर बहादुरी एवं रण कौशल का नया इतिहास रचा। और इसके ठीक पीछे मंच की अग्रसर अशोक चक्र से सम्मानित विजेता मेजर जनरल सी ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, कर्नल डी श्री कुमार अशोक चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र सेवानिवृत्त। जन्मभूमि भारत, कर्मभूमि भारत, वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म हम सर वंदना करें। कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फतेह अलखड़ा से कंप्राइजिंग ऑफ 144 सोल्जर्स रिप्रेजेंटिंग द मेन ब्रांचेस ऑफ द इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस रिफ्लेक्टिंग द ग्रेटनेस ऑफ द इजिप्शियन स्टेट एंड इट्स प्राइड इन इट्स एंशिएंट हिस्ट्री। द इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस कंसीडर्ड इट एज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इजिप्ट। कर्तव्य पथ पर जन भागीदारी, श्रम योगियों का सम्मान दिखा, वो कागज जुगनुओं सा चमकने लगा जिस पर अंधेरे में सलामी मंच की ओर ग्वालियर लांसर की समारोहिक पोशाक में 61 कैवलरी का दस्ता, दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्य बाली संभाल रहे हैं। विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल। 1 अगस्त 1953 में रेजिमेंट का गठन, अब तक 39 युद्ध सम्मान, 1 पद्मश्री, 1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा मेडल। आदर्श अश्व शक्ति यशोबल अर्थात अश्व शक्ति सहसम विजयते। नाम इसका दस्ता जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 17वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी। नाम इस एक टैंक विध्वंसक है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें एक नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रूलेस चरक है जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है, सर्वन दस्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आदर्श वाक्य 17 मई हर मैदान फतेह। And now approaching the saluting dais is the mechanized column of infantry combat vehicles DLT-2 of mechanized infantry regimental center led by Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. ICV BMP-2 named Sarath, a high mobility infantry combat vehicle which possesses lethal weapons and night fighting capability. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountains or high altitude area. The motto of the regiment is Valor and Faith, which means Veerta or Vishwas. Pistol se Tejas Viman tak, drone se Mangalyaan tak, Atmanirbharta ke naye Kirti Stambh gadhta Aadhunik Bharat, इसी स्वावलंबन को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फाइट एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में तैनात पूरी तरह से बुलेट एवं माइन प्रूफ एक ऐसा फौलादी कवच जो हमारी क्विक रिएक्शन क्षमता को और कारगर बनाते हुए
दुश्मन की साजिशों को नाकाम करेगा। ये वाहन 10 आर्मर्ड पर्सनल को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। लद्दाखी भाषा में युद्ध घोष इकी सोसो लहर ग्यालो। Coming up next is a detachment of K-9 Vajra T of 2-4 medium regiment self-propelled led by Lieutenant Prakash Tiwari. Having a firing range of 40 kilometers, the tracked self-propelled gun system can move at a maximum speed of 60 kilometers over arid desert terrain. Ideally suited for mobile warfare, it has greater mobility, longer range. Parade ka netritu karte hue salami manch ki or agrasar parade commander Lieutenant General Dheeraj Seth अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं। आपने दिसंबर 1986 में सेकंड लांसर्स में कमीशन प्राप्त किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने फर्स्ट हॉर्स नामक आर्मर्ड रेजिमेंट E-90 टैंक से लैस एक आर्मर्ड ब्रिगेड जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और पश्चिमी मोर्चे पर देश की प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर की सशक्त कमान संभाली। इस कमांड प्रोफाइल असाइनमेंट के फलस्वरूप जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज ऑपरेशन से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तक का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त है। अपने 35 वर्षों के अनुकरणीय सैन्य सेवा काल में आपने कमान के बीजीएस ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग कैपेबिलिटी डेवलपमेंट क्षमता विकास एवं आत्मनिर्भरता में 2 महत्वपूर्ण वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों सहित कई अहम स्टाफ व कमान पदों को सुशोभित किया। आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में असिस्टेंट एडजुटेंट व स्कूल ऑफ आर्मर्ड वॉरफेयर में गणन अनुदेशक के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन अंगोला में ऑपरेशन ऑफिसर का भी कार्यभार संभाला। अपने कैरियर के दौरान आपका आर्मी कोर्सेज में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आपने यंग ऑफिसर जूनियर कमांड कोर्स और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स वेलिंगटन में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का सम्मान पाया। आपने पेरिस फ्रांस में प्रतिष्ठित कमान जनरल स्टाफ कोर्स हाई कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका से हमसे कहती है मैं बाधाओं से नहीं बाधाएं मुझसे डरती है। कुछ ही मिनटों में नहर नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार कराने में सक्षम DRDO द्वारा निर्मित ये स्वदेशी पुल दर्शाते हैं कि भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड दस्तों का मार्ग कोई बाधा रोक नहीं सकती। न रुकेंगे न झुकेंगे बस आगे बढ़ते रहेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम रेजिमेंट का आदर्श अग्रणी अजय जीत हासिल करने में हमेशा। Next attachment, ladies and gentlemen, is of mobile microwave drone and mobile network sender of 4 of signals led by Major Muhammad Asif Ahmad of 2 Army Headquarters 6th Regiment. The next detachment is of Akash Weapon System of 27 Air Defense Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dashrathe. Accompanying, it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. Motto of the Corps of Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। आकाश मिसाइल के मैकेनाइज्ड दस्ते के बाद अब बारी है गौरवशाली मार्चिंग दस्तों। कर्तव्य पथ पर शौर्यपूर्ण कदमों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय में मंच के आगे से गुजरेंगे। सबसे पहले मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, नेतृत्व प्लीज मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन की कैप्टन हरदीप सिंह सोपी द्वारा। बाधाएं आती है आए ढेर प्रलय की घोर घटाएं पांव के नीचे अंकारे सर के पर से यदि ज्वालाएं विभागों में हंसते हंसते 1965 के भारत पाक युद्ध के पश्चात पैदल सेना को अधिक गति शक्ति देने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां एवं बेहद बेहतर हथियार प्रदान किए गए और इस प्रकार जन्म हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का। इस रेजिमेंट ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत विदेशों में भी भारत का परचम लहराया। 3 परमवीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 12 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 55 वीर चक्र एवं कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित। आदर्श वाक्य
वीरता और विश्वास। युद्ध घोष, बोल भारत माता की जय। एक नया भारत रचने को निकल पड़ी है टोलियां, गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। और इसके पीछे अमर कोर सेंटर एवं स्कूल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर एवं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड, शेरे जवान की सुर लहरियां बिखेरता हुआ। बैंड में 100 शूरवीर संगीतकार शामिल हैं। नेतृत्व राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र द्वारा, इनका साथ दे रहे हैं अमर कोर सेंटर एवं स्कूल के नायब रिसादार मंटू मंडल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह। परंपरागत सैनिक समारोह है इसका मैदान। यहाँ समारोह सैनिक चुने हमेशा जूझ का संचारण करती आई। This is of the Punjab Regiment led by Captain Aman Jagtap of 23rd Battalion, the Punjab Regiment in Longitara. Punjab Regiment is the only infantry regiment to have a naval insignia, the galley, which was awarded in 1839 in recognition of its voluntary to sail overseas first time during the First Burmese War. Motto of the regiment, Kushki Vattari Stalvajar, which means by land and sea. The regimental war cry, Jo Bolasu Nihal Sastriya Ka. Marching smartly, forming a graphic mosaic, truly eye-catching, marching shoulder to shoulder in perfect symmetry in rank and file, the Punjab Regiment. महान मराठा सैन्य प्रतिभा छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व गुणों और अदम्य युद्ध घोषक भावना से प्रेरणा लेते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता दी मराठा लाइट इन्फेंट्री का है, जिसका नेतृत्व मराठा लाइट इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन के कैप्टन शाश्वत दबास कर रहे हैं। रेजिमेंट को पारंपरिक भारतीय खेल मलखम में अपने कौशल के लिए जाना जाता है। आदर्श वाक्य कर्तव्य सम्मान उत्साह, युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और इन्हीं के ठीक पीछे कर्तव्य पथ पर राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता शान से आगे बढ़ रहा है। इस बैंड दस्ते में 100 संगीतकार शामिल हैं। बैंड का नेतृत्व सिख रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार कुलवंत सिंह कर रहे हैं। We are the Tigers of Mountains, we are the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21st Battalion Dogra Regiment. Dogra Regiment was one of the most prestigious and decorated regiments of the Indian Army. The Dogra Regiment has shown its sacrifice and valor in all the wars fought by the nation. Motto of the regiment, अगला दस्ता बलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट का। स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 12वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के मेजर रत्नेश तिवारी के नेतृत्व में। दो थिएटर ऑनर, एक बैटल ऑनर, कुल 351 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित। 3 अशोक चक्र, 3 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 16 वीर चक्र, 47 शौर्य चक्र। आदर्श कर्म ही धर्म, युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय। ठीक उन्हीं के पीछे सुर ताल और लय के कदमों से बढ़ता अगला दस्ता। जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। संयुक्त मिश्रित बैंड दस्ता असम रेजिमेंटल सेंटर, महा रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का 100 संगीतज्ञ शामिल। नेतृत्व कर रहे हैं महा रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर दिग्गर सिंह। यह बैंड वीर कारगिल की जोशीली धुन बजा रहा है, कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता आनंद ले। शानदार गोरखा ब्रिगेड के बहादुर गोरखाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 9वीं गोरखा राइफल की 3री बटालियन के लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवार। गोरखा ब्रिगेड भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। गोरखा के बीच का रिश्ता पुरातन है और दशकों से है। आदर्श वाक्य कांवर हुलू भंडा मुर्मू रामरो गोरखाली। सदन की सैर बुलंदी में हमारा नाम भी शामिल। गुजरते हमको रहना है सदा ऐसे मकामों से। मंच की ओर अग्रसर अगली छानगी हमारे पूर्व सैनिकों की, जो भारत के अमृतकाल में पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता की विषय वस्तु पर आधारित है। अगले भाग में चित्रित भारत वर्ष का 3D नक्शा
प्रतीक का, अमृतकाल में राष्ट्र निर्माण के महाप्रयाण का, तीनों सेनाओं के लोगों प्रतीक आपसी समन्वय एवं तालमेल के, नारी शक्ति को दर्शाते हुए पहली बार महिला पूर्व सैनिक कैप्टन यशिका त्यागी भी इस दस्ते में शामिल। ये झांकी अतुल्य गंगा एवं नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, डिजिटल माध्यम से पोल्यूशन मैपिंग, कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल, डिजिटल जागरूकता इत्यादि में पूर्व सैनिकों द्वारा किए जा रहे अद्वितीय योगदान को दर्शाती है। कलम और स्पैनर प्रतीक इनके विस्तृत ज्ञान के, इनके योगदान के। Here comes the Seahawks, Indian Navy, war ready, courageous and organized. Ladies and gentlemen, we have the sail with valor in their souls and honor in their heart. They are the saviors of the marine borders. They possess invincible spirit and dauntless bravery. Their exemplary dedication and hard work keeps the ship moving. Yes, they are 144 young sailors of Indian Navy contingent, led by Lieutenant Commander Disha Amrit, Lieutenant Ashwini Singh, Sub-Lieutenant Priyanka Sharma, and Sub-Lieutenant M. Aditya. This contingent consists of 3 women and 6 men Agnivis. Next, ladies and gentlemen, on the heels of Indian Navy marching contingent, we have Indian Navy tableau on the theme Indian Navy Combat, indigenously designed and built inductions under Atmanirbhar Bharat. The tableau commanders are Lieutenant Commander Inderjit Singh Chauhan and Lieutenant Varsha Shinde. The forward part of the tableau depicts women air crew of Dornier aircraft flying overhead, highlighting all women crew surveillance sortie undertaken in the year 2022. And now paving their way on Kartavya path with commitment to achieve their motto, Nabha Sprisham Deeptam, here come the men in blue. Warrant Officer Ashok Kumar, Vishisht Seva Medal, lead marching contingent of the Indian Air Force. The Indian Air Force marching contingent comprising 144 air warriors and 4 officers led by Squadron Leader Sindhu Reddy, and up in the air, 3 MiG-29 air superiority fighters flying in big formation led by Group Captain Chitran Arora. The 3 supernumerary officers of the IF marching contingent behind the contingent commander are Flight Lieutenant Ayush Agrawal, Flight Lieutenant Tanush Malik, and Flight Lieutenant Pradhan Nikhil. And a smart salute to the Supreme Commander of the Armed Forces of India. Now the Indian Air Force tableau is playing the theme Indian Air Force Far Beyond Boundaries. The rotating globe highlights the IF's expanded reach, whereby it will be able to ready SAT-7A, the IF's ISCCS, and other flying platforms to depict how well the Indian Air Force has embraced NCW across multiple domains. NCA Tejas Mark II, NCH Prachand, AWNC Netra, and C-295 bolster of fighting and logistics capabilities. Induction of ribbon cadres in all ranks enhances the Nari Shakti. Also depicted, a team and utilization of enemy threat, like जय अखंड भारत का, गणतंत्र का राष्ट्रव्यापी प्रतीक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रमाण है कर्तव्य पथ। घर में जाऊं रण में यूठन, कान खोलकर सुन ले दुश्मन, मातृभूमि के कण कण को शत्रु रक्त से नहलाऊंगा, लहर लहर के आसमान में नियों पर बांधे असम राइफल्स, पूर्वोत्तर के प्रहरी, पूर्वोत्तर के मित्र, सलामी मंच की ओर 187 वर्षों का अद्वितीय इतिहास। कैप्टन अक्षय के नेतृत्व में इस दस्ते में पुरुषों और महिलाओं का मिश्रित मार्चिंग दस्ता है। एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष और नारी दोनों के लिए समान अवसर का प्रतीक। महिला सैनिक अग्रिम मोर्चों पर, चाहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर या संयुक्त राष्ट्र मिशन हो, ठीक उन्हीं के पीछे असम राइफल्स का कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास खोलता असम राइफल्स के ब्रास और पाइप बैंड। ब्रास बैंड का सशक्त संगत। Next contingent marching swiftly at Kartavya Path is of Indian Coast Guard. Sentinels of Assi contingent is led by Deputy Commandant Rohit Singh, followed by Deputy Commandant Aten Zutsi, and 2 lady officers of the Guard, Assistant Commandant Marcy Schiller and Assistant Commandant